मोहब्बत की नगरी आगरा में सावन के दूसरे सोमवार को आपसी प्रेम और धार्मिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिली। आपको बता दें कि यहां पर शिवालय में आने वाले शिव भक्तों के लिए मुसलमानों ने शरबत की व्यवस्था की और भक्तों के ऊपर फूलों की वर्षा की। इस दौरान जमीन पर फूल ही फूल बिछ गए। आपको बता दें कि सावन के दूसरे सोमवार की पूर्व संध्या से आगरा में 40 किलोमीटर की नगर परिक्रमा शुरू होती है। रात भर शहर के चारों कोनों पर विराजमान ऐतिहासिक शिवलिंगों के अभिषेक का सिलसिला सोमवार पूरे दिन चलता रहता है। आज आगरा के मंटोला क्षेत्र निवासी नदीम नूर और अमजद के नेतृत्व में सोमवार को नवाज के बाद एमजी रोड पर रावली महादेव मंदिर के बाहर मुस्लिम समाज के लोग टोपी और कुर्ता पहने हुए आए और मंदिर के द्वार पर शरबत की स्टॉल लगाई। मुस्लिम भाइयों ने मंदिर आ रहे शिव भक्तों के ऊपर फूलों की वर्षा भी की, तो वहीं मंदिर के द्वार पर उन्होंने फूल भी बिछाए। इस दौरान शिव भक्तों के लिए पानी की पीने की व्यवस्था भी मुस्लिम समाज द्वारा कराई गई। यह धार्मिक सौहार्द का दृश्य देखकर हर कोई भाव विभोर हो गया। वहीं नदीम ने बताया कि ताजमहल के शहर से लोगों को आपस में मिलजुल कर रहने का संदेश दिया है और इस्लाम में यही लिखा है कि सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।